हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एम यादव में। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्वसन जड़ लक्षण है, बताइए ये किस पौधे का है? ये होता है मैंग्रोव पौधों का। इसका मैंग्रोव पौधों का, ठीक है। मैंग्रोव जो कि दलदली भूमि में उगते हैं, ये कैसी भूमि में उगते हैं? दलदली भूमि में ये पौधे उगते हैं, ठीक है। तो श्वसन जड़ किसका लक्षण है? मैंग्रोव पौधों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका फाइलेरिया होता है, बताइए क्या होता है? ठीक है, देखो फाइलेरिया के और नाम होते हैं कई, जैसे फील पाव, जिसको हम हाथी पाव भी बोल देते हैं, ठीक है, हाथी पाव। और ठीक है, फाइलेरिया क्या होता है? फील पाव या हाथी पाव भी इसको बोल देते हैं। क्या होता है बताइए? ये होता है आपका वूचेरेरिया। एक मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वूचेरेरिया बैंक्रोफ्राइटी द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा होता है। देखिए इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एक क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है, वो इसका वाहक होता है, किसका? फाइलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरी बेरी भूख नहीं लगना, बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमजोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं? बताइए, ये आपके सब जो डिसीज हैं वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती हैं? ठीक है, ये होती है आपकी B1 की वजह से, B1 की कमी से वजह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। देखिए B1 हमें कहाँ से मिलती है? हरी सब्जी, पनीर हो गया आपका, दूध से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? बताइए किसके माध्यम से होता है? ये होता है आपका पत्ती, यानी पत्ता के द्वारा। प्रवर्धन मतलब प्रजनन, ठीक है, इसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। और यह किस समूह से है? यह क्रैसुलेसी कुल से, ठीक है, क्रैसुलेसी कुल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू राइट होगा इसका। देखिए क्वेश्चन है, पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, बताइए पाश्चरीकरण एक क्रिया होती है, प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, बताइए कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? ठीक है, इसमें किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर शीघ्रता से किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। पहले तो क्या 63 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर शीघ्रता से इसको ठंडा किया जाता है, इससे इसके विषाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, विषाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और
लैक्टिक दूध, देखो दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या नहीं होता आपका दूध खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। पाश्चीकरण का है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को क्या किया जाता है, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है, इससे इसके जो विषाणु रहित हो जाता है, ठीक है, इससे विषाणु नष्ट हो जाते हैं और क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दूध खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान कीजिए, सही हो जाएगा। देखो मांसल आहार, मांसल आहार यानी जो मांसाहारी होते हैं उनके आहार में क्या क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट, ठीक है, मांसाहारी उनमें कैल्शियम भी होता है प्रोटीन भी होता है, ठीक। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तत्व है, बताइए। तत्व क्या होता है जिनमें एक ही परमाणु हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो, ठीक है। तो देखो हीरा क्या है, देखो इसमें कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन के परमाणु होते हैं, वही क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। हीरा किससे बना आपका, कार्बन से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं, बताइए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं, खाने की कमी के कारण नहीं, आवेश के सांद्रता के कारण नहीं, ऑक्सीजन के अपचय के कारण, जी सही है, रोग के फैलने के कारण भी नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन के अपचय के कारण, ठीक है, थर्ड राइट है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, ठीक। देखिए वाष्पन क्या होता है, देखो आपका कोई द्रव है, ठीक है, ये किस में बदल जाए आपका, गैस में, यानी ये ऑप्शन सही है। वाष्प क्या होता है, द्रव से गैस में बदल ले, ठीक है, वाष्पन सही है, यानी फर्स्ट यही हो जाएगा। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है आपका, जैसे आपका कपूर है, ठीक है, ये ठोस से किस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से गैस में, तो ये थर्ड हो जाएगा। देखिए हिमीकरण क्या होता है, गैस से द्रव बनना, गैस से द्रव बनना। पिघलना क्या होता है, कोई आपकी बर्फ है ठोस, ये किस में, द्रव में बदल जाएगा, ठीक है, तो पिघलना क्या होता है, ठोस से द्रव, ये जो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है, बताइए क्या होता है, वो घटती है, ठीक है। तापमान में सहसा वृद्धि के साथ आपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, आपकी घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, बताइए कैसा होता है। सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, आवासी, आवर्धित और ऊर्ध्व शीर्ष होता है, ऑप्शन नंबर
थर्ड राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है एवं इसका क्वथनांक 445 डिग्री सेल्सियस है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य। देखिए 90 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ठोस है, सही है। 400 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर द्रव है, ये भी सही है। 450 डिग्री सेल्सियस सल्फर द्रव है, ये गलत है, ठीक है। 20 डिग्री सल्फर, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, 450 डिग्री पर सल्फर द्रव नहीं होता है। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती हैं, बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल की जो परत होती है, कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, ठीक है। देखिए वो होती है आपकी आयन मंडल परत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। आपके जो हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है, कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में, ठीक है, यह क्षोभ मंडल से ऊपर होता है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, जो कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं, देखिए वो क्या होता है, कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। कक्षा में त्वरण है भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आपका, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है, बताइए कौन सा है, तो वो है आपका थाइमिन, ठीक है। चाय में क्या होता है आपका थाइमिन, ठीक है, और आपका जो कॉफ़ी में, कॉफ़ी में क्या होता है आपका कैफीन होता है, ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन होता है और चाय में क्या होता है थाइमिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही, ठीक है, थैंक्स।